हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड 2016 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। केवल इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट करेंगे। यदि आपको पूरा कंप्लीट बुक परचेस करना है तो आपको एट द रेट 39 रुपीज़ में ये पूरी किताब मिलेगी, ठीक है। 140 पेज की किताब है जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एसएस पूरा कवर है 2016 का। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड के बेसिक इंस्ट्रक्शन, डाटा और मतलब बेसिक्स आपको पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले एमएस वर्ड होता क्या है? ये एक वर्ड प्रोसेसर होता है। एमएस वर्ड क्या होता है? एक वर्ड प्रोसेसर होता है जिसकी हेल्प से हम क्रिएट कर सकते हैं किसी डॉक्यूमेंट्स को, बाउचर को क्रिएट कर सकते हैं, लीफलेट्स को क्रिएट कर सकते हैं, आउटलाइंस को बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, कोई लिस्ट बना सकते हैं या फिर सिंपल कोई वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। इसको फर्स्ट रिलीज किया गया था 1983 में अंडर द नेम मल्टी टूल वुड फॉर जेनिस सिस्टम। इसका जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है एमएस वर्ड 2016 का, वो होता है .docx, ठीक है। ये डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम होता है। और यदि डिफॉल्ट नेम बात किया जाए तो उसका डिफॉल्ट नेम होता है document 1। ओके, नेक्स्ट आपको डिस्प्ले कर देते हैं कि एमएस वर्ड को ओपन कैसे किया जाता है डेस्कटॉप में आपके सिस्टम में। तो ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, स्टार्ट पे जाते हैं वर्ड 2016 और डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये आपका एमएस वर्ड का स्क्रीन है जिसमें कि ऊपर जो होता है वो टाइटल बार होता है, राइट साइड में आपका मिनिमाइज विंडो और क्लोज बटन होता है, क्लोज बटन के बिल्कुल नीचे रिबन होता है, रिबन के नीचे जो स्केल टाइप का दिखता है आपका एमएस वर्ड 2016 में उसको हम रूलर कहते हैं, जो स्क्रॉल बार होता है वर्टिकल वाला उसको वर्टिकल स्क्रॉल बार कहते हैं और जो हॉरिजेंटल होता है उसको हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार कहते हैं। जो आपका ये विंडो दिखता है इसको डॉक्यूमेंट विंडो कहा जाता है, ठीक है। और साइड में जो होता है उसको इंसर्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ऊपर फाइल के बाद फाइल टैब होता है, नीचे वाली जो लाइन होती है ये वाली, ये इसको स्टेटस बार कहते हैं। साइड में आपका जूम स्लाइडर होता है जिसमें आप जूम प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बगल में व्यू बटन होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं एमएस वर्ड में, जैसे कि रिबन हुआ, टैप हुआ, ये सब बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं बेसिकली आपको एमएस वर्ड का फीचर्स बता देता हूं कि एमएस वर्ड का मेजर फीचर्स क्या होता है, क्या काम करता है एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड की हेल्प से आप किसी भी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, किसी भी टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। एडिट और फॉर्मेट का मतलब होता है कि आप कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को बदल सकते हैं, फॉन्ट टाइप को बदल सकते हैं, केस को बदल सकते हैं। केस को बदलने का अर्थ है यानी कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, उसके ऊपर अंडरलाइन मार सकते हैं, स्ट्राइक थ्रू कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट इफेक्ट डाल सकते हैं उसके ऊपर, हाईलाइट कर सकते हैं, कलर को बदल सकते हैं, कोई भी कलर डाल सकते हैं, डिज़ाइन डाल सकते हैं, स्टाइल डाल सकते हैं अपने टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या फीचर्स होता है? पहले तो ये सब एमएस वर्ड के फीचर्स हैं, चाहे वो टेक्स्ट एडिटिंग हो, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग हो, बुलेट्स एंड नंबर हो, पेज ओरिएंटेशन हो, चार्ट हो, या मेल मर्जर हो, या मैक्रो हो, ठीक है, या फिर ग्राफिक्स को इंसर्ट करना हो, ये सब क्या है? आपका एमएस वर्ड के फीचर हो। ग्राफिक्स को इंसर्ट करने का मतलब है आप जो क्लिप आर्ट ऐड करते हैं, पिक्चर ऐड करते हैं, ग्राफ ऐड करते हैं, चार्ट्स, स्मॉल आर्ट और शेप्स को जो ऐड करते हैं वो आपके ग्राफिक्स होते हैं, ठीक है, इंसर्ट ऑफ ग्राफिक्स। पेज ओरिएंटेशन का क्या अर्थ होता है? पेज ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो आपका पेज है वो कैसे है, या तो पोर्टलैंड में होगा या लैंडस्केप में होगा। पोर्टलैंड यानी कि खड़ा होगा, टॉल होगा, लैंडस्केप यानी कि वाइड होगा, चौड़ा होगा, ठीक है, ये हुआ इसमें मीनिंग बेसिकली आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कुछ आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स बता दें जो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछने के। जैसे ये 11 नंबर पॉइंट है, थेसर्स। थेसर्स मतलब क्या होता है? अल्टरनेट वर्क या फिर सिमिलर मीनिंग वर्ड होते हैं जिसको सिनोनियम्स कहा जाता है, वो होता है थेसर्स, ठीक है। ऑटो करेक्ट क्या होता है? ऑटो करेक्ट वो फीचर होता है जो कि करेक्ट कर देता है कॉमनली मिस स्पेल्ड वर्ड ऑटोमेटिकली, वो होता है ऑटो करेक्ट, यानी कि आपके स्पेलिंग को ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देता है, वो ऑटो करेक्ट होता है। फाइल टैब ऑप्शन से एक क्वेश्चन आपका श्योर बनना है। साइड में आपको डिस्प्ले हो रहा होगा ये पेज, ठीक है। सबसे पहले आ जाते हैं फाइल मेनू टैब पे। द फाइल मेनू टैब एंड बैक स्टेज व्यू कंटेन कमांड्स फॉर वर्किंग विथ अ प्रोग्राम फाइल सच एज ओपन, सेव, क्लोज, न्यू एंड प्रिंट। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट क्लिक द फाइल टैब, सेलेक्ट न्यू। सबसे पहले देखिए, न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की जो होती है वो क्या होती है? कंट्रोल प्लस एन।
यदि आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ठीक है, सबसे पहले वाले पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगा कंट्रोल प्लस एन, यही क्वेश्चन आपके बेल्ट्रॉन एग्जाम में आते हैं कि आपको एक नया डॉक्यूमेंट बनाना है उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगा, कंट्रोल प्लस एन। एक नए डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, अगर डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ। डॉक्यूमेंट को सेव करना है, कंट्रोल प्लस एस। टू सेव अ डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, यदि आपको डिफरेंट नेम से सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, देन सेव एज पे जाएंगे, एंटर द न्यू नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, देन सेव विद डिफरेंट नेम। अगर प्रिंट प्रीव्यू करना है तो सबसे पहले फाइल टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे प्रिंट एंड देन प्रीव्यू। क्लिक कहाँ करेंगे? प्रीव्यू करें। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी होता है, याद रखिएगा, अगर किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज करेंगे कंट्रोल प्लस पी, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं आगे, नेविगेशन पे आ जाते हैं। नेविगेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेविगेशन आपको यहाँ दिख रहा होगा एमएस वर्ड में नेविगेशन, ठीक है। तो नेविगेशन के लिए टू ओपन द नेविगेशन पेन, टू ओपन नेविगेशन पेन क्लिक द फाइंड बटन इन द एडिट ग्रुप ऑन द होम टैब कंट्रोल प्लस एफ, ठीक है। यदि नेविगेशन पेन को ओपन करना है आपको, यदि आपको नेविगेशन पेन को ओपन करना है तो आप क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एफ। टू सर्च फॉर अ वर्ड और फ्रेजेज, यदि आपको किसी वर्ड और फ्रेजेज को सर्च करना है तो आप कहाँ क्लिक करेंगे? सर्च बॉक्स में क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे वर्ड और फ्रेजेज, देन यू कैन गॉट व्हाट द वर्ड एंड फ्रेजेज। टू सर्च ग्राफिक्स, टेबल, इक्वेशन और कमेंट्स, क्लिक द मैग्निफिकेशन मैग्निफाई बार एंड सेलेक्ट द ऑप्शन टू लिस्ट सर्च बॉक्स एंड देन इंफॉर्मेशन यू हैव टू सर्चिंग, प्रेस एंटर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं एडिटिंग ऑप्शन के ऊपर। तो एडिटिंग ऑप्शन के लिए क्या है? टू कट और कॉपी टेक्स्ट, ठीक है, पेज टेक्स्ट। प्रीव्यू करने के लिए इंसर्ट एंड डिलीट कमांड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रंट ग्रुप ऑन अ होम टैब, ठीक है। आपको डिस्प्ले हो रहा होगा राइट साइड में टाइम्स न्यू रो और डाउन साइड में फॉन्ट के लिए फॉन्ट और एडवांस ओपन है, ठीक है, जिसमें फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो मोस्ट कॉमन फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड होता है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है? मोस्ट कॉमन फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड अवेलेबल होता है होम टैब पे, ध्यान दीजिएगा। जो मोस्ट कॉमन फॉन्ट फॉर्मेटिंग कमांड होता है वो अवेलेबल होता है होम टैब पे, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, लेस कॉमनली अप्लाइड एट्रीब्यूट्स सच एज स्मॉल कैप और स्पेशल अंडरलाइनिंग आर अवेलेबल इन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। अगर मुझे किसी फॉन्ट का टू चेंज द फॉन्ट ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट चेंज करना है तो उसके लिए दो चीज़ होता है, एक मिनिमाइज वाला ऑप्शन, एक मैक्सिमाइज वाला ऑप्शन। इन दो में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है। जैसे कि डू, सबसे पहले आप बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, यदि हमें फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है तो हम फॉन्ट साइज को कैसे इंक्रीज करेंगे? टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज, टू सेट इंक्रीमेंट क्लिक इंक्रीज ऑन द फॉन्ट कंट्रोल CTRL प्लस दिस साइन, ये इंक्रीज करने के लिए है। यदि बोल दिया जाए कि फॉन्ट साइज को डिक्रीज करना है तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज इन द सेंड इंक्रीमेंट क्लिक डिक्रीज ऑन द फॉन्ट साइज, यानी कि कंट्रोल प्लस दिस, ये डिक्रीज के लिए है और ये ऊपर वाला आपका इंक्रीज के लिए है, ठीक है। और इसमें आप देख लीजिए, इसमें इंक्रीज देखिए, इंक्रीज फॉन्ट का ये है, ठीक है, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा कैसे आना है, कैसे सिंबल, ठीक है। नेक्स्ट है डिक्रीज के लिए, ये आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। आपको विथ इमेज एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आ जा रहे हैं आप टू फॉर्मेट टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के लिए, ठीक है। बोल्ड एमएस वर्ड, ये शॉर्टकट की आपसे पूछा जाता है, ठीक है। ऑन होम टैब इन अ फॉन्ट ग्रुप क्लिक बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन बटन, होम टैब में होता है ये सब। अब बोल्ड देखिए, बोल्ड का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक का है कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल प्लस यू, ठीक है। अब सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टू डिस्प्ले सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट, सेलेक्ट द कैरेक्टर यू वांट टू रिपोजिशन, सेलेक्ट द कैरेक्टर यू वांट टू रिपोजिशन ऑन द होम टैब इन द फ्रंट ग्रुप, डू आइदर द फॉलोइंग, क्लिक सब स्क्रिप्ट, क्लिक सब स्क्रिप्ट बटन टू द शिफ्ट द कैरेक्टर ऑफ द बटन ऑफ द लाइन, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब स्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की आपसे एग्जाम में जो पूछता है क्वेश्चन, वो क्या पूछता है? सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की बताइए, तो वो होता है कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। 27/11 के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, सब स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की। नेक्स्ट,
सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की, ठीक है। तो करने के लिए क्लिक द सुपर स्क्रिप्ट बटन ऑन द शिफ्ट द कैरेक्टर टू द टॉप ऑफ द लाइन। सुपर स्क्रिप्ट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस साइन होता है सुपर स्क्रिप्ट के लिए। टाइप वेरी स्मॉल लेटर जस्ट अबव द लाइन ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। टू अप्लाई आर्टिस्ट इफेक्ट टू द सेलेक्टेड टेक्स्ट, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा, लास्ट में मैं शॉर्टकट की एब्रिवेशन इसके कराऊंगा, ठीक है, और फाइल एक्सटेंशन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं टू चेंज द केस ऑफ सेलेक्टेड लेटर। यदि सेलेक्टेड लेटर का हमें केस बदलना है, ठीक है, सेलेक्टेड लेटर का केस बदलना है एमएस वर्ड में, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले ऑन द होम टैब इन द फॉन्ट ग्रुप क्लिक द चेंज केस बटन एंड देन क्लिक सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टूगल केस, ठीक है। ये देखिए आपको इसमें डिस्प्ले हो रहा होगा जितने मैंने केस आपसे अभी बोला है, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड और टॉगल केस, ठीक है। इसमें बने हैं कि अगर सेंटेंस केस में कैसा वर्डिंग होगा, ठीक है, लोअर केस में कैसे चलेगा, अपर केस में जैसे लिखा है वैसे उसी तरीके से वो केस वर्क करता है, ठीक है। प्रेस शिफ्ट प्लस F3 रिपीटली टू साइकिल थ्रू द स्टैंडर्ड केस ऑप्शन, सेंटेंस्ड केस, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, ठीक है। बाकी आपको ये डिस्प्ले हो रहा होगा, सैंपल है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें, फॉन्ट के लिए जो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस D होता है। अब आपको टेम्पलेट्स दिखा देते हैं, एमएस वर्ड में टेम्पलेट्स जो आप लोग कहते हैं ना, टेम्पलेट्स क्या होता है, तो पहले ये देखिए एमएस वर्ड 2016.docx, ये .docx क्या होता है, इसका फाइल एक्सटेंशन होता है। आपको टेम्पलेट्स दिखा देते हैं किसको टेम्पलेट्स कहा जाता है और टेम्पलेट्स में कैसे जाया जाता है। सबसे पहले स्टेप बताएंगे, टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट फ्रॉम अ टेम्पलेट फॉलो दीज स्टेप। तो ये जो आपको डिस्प्ले हो रहा होगा नीचे, ठीक है, ये सभी क्या है, ये टेम्पलेट्स हैं, ठीक है। देखिए क्लिक फाइल टैब एंड देन चूज न्यू ऑल अवेलेबल टेम्पलेट्स हियर। तो ये जो है इसको टेम्पलेट कहा जाता है, ये आपका टेम्पलेट है। इसको ओपन करने के लिए कैसे ओपन करना है, सबसे पहले फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब में जाके क्या सेलेक्ट करना है, न्यू सेलेक्ट करना है। जब न्यू सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा सर्च ऑनलाइन टेम्पलेट, ठीक है। सबसे पहले आपको फाइल टैब में जाना है, फाइल टैब में न्यू सेलेक्ट करना है तो एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिखा होगा सर्च द ऑनलाइन टेम्पलेट्स, और जहां सर्च करेंगे आपको ये सब टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो होता है कॉन्फ़िगर इंडेंट, ठीक है। कॉन्फ़िगर इंडेंट आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, एक स्केल दिख रहा होगा जिसको कि रिबन कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा एक स्केल है जिसमें कि फर्स्ट लाइन इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, ठीक है, ये सभी चीज़ आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो इसमें कॉन्फ़िगर इंडेंट में क्वेश्चंस क्या बनते हैं एग्जाम में, तो उन क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट इंडेंट क्या होता है, दिस डिफाइन द आउटर मोस्ट लेफ्ट एज ऑफ ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ। लेफ्ट इंडेंट क्या डिफाइन करता है, आउटर मोस्ट लेफ्ट एज। लेफ्ट इंडेंट डिफाइन करता है आउटर मोस्ट लेफ्ट एज ऑफ ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ। राइट इंडेंट क्या डिफाइन करता है, डिफाइन द आउटर मोस्ट राइट एज ऑफ ईच लाइन ऑफ द पैराग्राफ। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट यानी कि दिस डिफाइन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, ये होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे आप बाद में रिविजन कर सकें। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा होगा सिंबल पिक्चर और फॉन्ट में, ये सिंबल वाला कॉलम खुला है, ठीक है, जो कि बुलेट्स गैलरी में है। क्लिक डिफाइन न्यू बुलेट्स पे जब जाएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है डिफाइन न्यू बुलेट्स, जब डिफाइन न्यू बुलेट्स में जाएंगे बुलेट गैलरी के अंदर, तो वहाँ पर सिंबल होता है, पिक्चर होता है और फॉन्ट साइज होता है, ठीक है। तो वहाँ पर यदि आप सिंबल पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ दिखेगा, ये कहाँ पर दिखता है, बुलेट गैलरी में, डिफाइन न्यू बुलेट में,
ठीक है। बाकी आप पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा समझना, और क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा पास है। अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आपके 30 तारीख के एग्ज़ाम में आया था, डिलीटिंग रो एंड कॉलम। ठीक है, डिलीटिंग रो एंड कॉलम 30/11 के पेपर में आपका ये क्वेश्चन आया था कि एक कॉलम या रो को कैसे डिलीट किया जाता है। तो टू डिलीट रो और कॉलम फॉलो दीज स्टेप्स। तो सबसे पहले मूव द कर्सर इनटू रो और कॉलम यू वांट टू डिलीट। सबसे पहले अपने कर्सर को मूव करके ले जाएंगे रो और कॉलम पे जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक द लेआउट टैब अंडर द टेबल टूल बार टैब। उसके बाद लेआउट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे जो कि टेबल टूल्स टैब पे होता है। क्लिक ऑन डिलीट आइकन, फिर डिलीट आइकन पे क्लिक करेंगे, पुल डाउन द मेनू अपेयर्स। देन चूज द डिलीट कॉलम एंड डिलीट रो वर्ड डिलीटेड यू चूज एन रो और कॉलम। तो आपका जो वर्ड होगा रो और कॉलम ऐसे डिलीट हो जाएगा। सेल को डिलीट करना है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यू कैन डिलीट डाटा इन सेल जस्ट बाई सेलेक्टिंग द डाटा एंड प्रेसिंग द डाटा डिलीट की। इफ़ यू वॉन्ट टू डिलीट डाटा एंड द सेल इट सेल्फ यू हैव टू ऑप्शन। दो ऑप्शन होते हैं इसको डिलीट करने के लिए, डिलीट द सेल एंड शिफ्ट एडजस्टेड रो एंड कॉलम, दिस क्रिएट ऑड सेप टेबल्स सेव्ड टेबल, एंड डिलीट द डाटा एंड सेल वॉटर कीप्स द टेबल सिमेट्रिकली बट ऑफ्टन मर्जर सेल्स। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें कि हम आपसे डिस्कस करेंगे कि स्मार्ट ग्राफिक को, जो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक होता है उसको ऐड कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है और मूव कैसे किया जाता है। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को ऐड कैसे किया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है और तीसरा है मूव कैसे किया जाता है। ठीक है, तीनों चीज़ डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सेलेक्ट द डायग्राम एंड डू आइदर ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। सबसे पहले डायग्राम को सेलेक्ट करना है, ओपन द टेक्स्ट पेन, टेक्स्ट पेन को ओपन करना है, एट द एंड ऑफ द लिस्ट आइटम प्रेस एंटर एंड देन आइटम टू द बुलेटेड लिस्ट एंड सेव टू द डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, ऑन द डिज़ाइन टूल टैब इन द क्रिएट ग्राफिक ग्रुप क्लिक द ऐड सेव बटन, देन वहाँ से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐसा करने से जो आपका स्मार्ट आर्ट ग्राफिक है वो ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। आपको बस ये स्टेप फॉलो करना है, सबसे पहले डिज़ाइन टैब टूल पे जाना है, क्रिएट ग्राफिक ग्रुप पे जाना है, क्लिक करना है ऐड सेव बटन पे और आपका जो स्मार्ट ग्राफिक टूल है वो ऐड हो जाएगा। रिमूव कैसे करना है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को रिमूव करने के लिए सबसे पहले डायग्राम पे जाएंगे, इन द डायग्राम सेव को सेलेक्ट करेंगे, डायग्राम पे जाएंगे सेव को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद टेक्स्ट पेन में जाके आइटम को सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद डिलीट की पे प्रेस कर देंगे, डिलीट, काम खत्म। नेक्स्ट है मूव करना है, तो सबसे पहले डायग्राम को इन डायग्राम पे जाएंगे, ड्रैग द सेव, उसको ड्रैग करेंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे और डिफरेंट पोजीशन पे ले जाएंगे इन द टेक्स्ट पेन एंड ड्रैग द आइटम ऑफ द टू द डिफरेंट पोजीशन में लेकर ड्रैग कर देंगे, वहां पे वो मूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको दिखेगा किसी भी पिक्चर को कैसे इंसर्ट किया जाता है, इंसर्ट अ पिक्चर। तो आपको पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट पे क्लिक करना है, पिक्चर पे जाना है अपने पीसी में, ठीक है, फिर वहाँ पे इंसर्ट ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, यू वांट टू सेलेक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा इंसर्ट पिक्चर किया गया है वर्ड 2016 में। अब आ जाते हैं शॉर्टकट की पे, शॉर्टकट की जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड किया जाता है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गो टू के लिए होता है अल्टर प्लस क्यू, ओपन के लिए कंट्रोल प्लस ओ, सेव के लिए कंट्रोल प्लस एस, क्लोज के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कट के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी एंड सेलेक्ट ऑल के लिए कंट्रोल प्लस ए। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यदि आपको किसी चीज़ को ओपन करना है, ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, ठीक है। नेक्स्ट है यदि गो टू में जाना है तो अल्टर प्लस क्यू, सेव करना है तो सी टी आर एल प्लस एस, ठीक है। नेक्स्ट है अगर क्लोज करना है तो कंट्रोल प्लस डब्लू, नेक्स्ट है कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स, कट करने के लिए हो जाएगा आपका, कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी, पेस्ट करना है कंट्रोल प्लस वी,
सेलेक्ट ऑल कंट्रोल प्लस ए, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू। नेक्स्ट है, यदि फॉन्ट साइज को एक पॉइंट डिक्रीज करना है तो ये सिंबल, एक साइड इंक्रीज करना है तो ये सिंबल कंट्रोल के साथ। सेंटर टेक्स्ट, सेंटर टेक्स्ट की बात करते हैं तो सेंटर टेक्स्ट कंट्रोल प्लस ई, लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट कंट्रोल प्लस एल, राइट अलाइन टेक्स्ट कंट्रोल प्लस आर, कैंसिल यानी कि स्कैप, कैंसिल यानी कि स्कैप, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, अंडू कंट्रोल प्लस जेड, रीडू कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेविगेट द रिवन विथ ओनली द कीबोर्ड। अब आ जाते हैं क्रिएट व्यू एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, ये ज़्यादा पूछता है, यदि आपको कोई डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की जो शॉर्टकट की होती है न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने की, तो वो होती है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, कंट्रोल प्लस एन से हम डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो कंट्रोल प्लस ओ, और किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस ओ, किसी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, एंड स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो को स्प्लिट करने के लिए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस स्प्लिट द डॉक्यूमेंट विंडो। या और नेक्स्ट आ जाता है रिमूव करने के लिए, रिमूव द विंडो, रिमूव द डॉक्यूमेंट विंडो स्प्लिट, तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी, अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस एस। किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस, किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल प्लस एस। ठीक है, वर्क विथ वेब कंटेंट एंड हाइपर लिंक्स, वर्क विथ वेब कंटेंट एंड हाइपर लिंक्स। ठीक है, इसमें अगर आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट अ हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस के, इंसर्ट अ हाइपर लिंक कंट्रोल प्लस के, गो बैक वन पेज अल्टर प्लस लेफ्ट एरो, गो बैक फॉरवर्ड वन पेज अल्टर प्लस राइट एरो, रिफ्रेश आई थिंक F5 होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं प्रिंट एंड प्रीव्यू डॉक्यूमेंट। ठीक है, यदि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, उसको प्रीव्यू करना है, ठीक है, तो सबसे पहले प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी, स्विच ऑफ प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस आई। ठीक है, मूव अराउंड द प्रीव्यू टू जूम इन, एरो की यूज किया जाता है। ठीक है, मूव द लास्ट प्रीव्यू पेज ऑफ जूम आउट, तो जूम आउट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, और फर्स्ट प्रीव्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस होम। अगर फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो दोनों है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस होम और लास्ट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस एंड, इसको याद कर लीजिएगा आप, फर्स्ट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस होम एंड लास्ट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस एंड। ठीक है, नेक्स्ट और अब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं स्पेलिंग के ऊपर, चेक स्पेलिंग एंड रिव्यू चेंज इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाते हैं इंसर्ट अ कमेंट। कमेंट को इंसर्ट करने के लिए अल्टर प्लस आर का यूज किया जाता है। टर्न चेंज ट्रैकिंग ऑन ऑफ, यदि ट्रैकिंग को ऑन ऑफ करना हो तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई। ठीक है, और नेक्स्ट है क्लोज द रिव्यूइंग पेन इफ इट इज ओपन, उसके लिए यूज किया जाता है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस सी। सेलेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, अल्टर प्लस आर या फिर एस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वन कैरेक्टर लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो का यूज होता है, वन कैरेक्टर राइट में जाने के लिए राइट एरो का यूज होता है। ठीक है, वन वर्ड टू द लेफ्ट कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो, वन वर्ड टू द राइट कंट्रोल प्लस राइट एरो, वन पैराग्राफ अप कंट्रोल प्लस अप एरो, वन पैराग्राफ डाउन कंट्रोल प्लस डाउन एरो, वन सेल टू द लेफ्ट शिफ्ट प्लस टैब, वन सेल टू द राइट टैब, वन अप वन लाइन अप एरो, डाउन वन लाइन डाउन एरो, टू द एंड ऑफ द लाइन के लिए यूज होता है एंड, एंड टू द बिगनिंग ऑफ द लाइन के लिए होता है होम। ये वाला दोनों इंपॉर्टेंट है, एंड ऑफ द लाइन के लिए होता है एंड, एंड बिगनिंग ऑफ द लाइन के लिए होता है होम। नेक्स्ट है टू द टॉप ऑफ द विंडो, टू द टॉप ऑफ द विंडो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप, टू द टॉप ऑफ द विंडो, टू द टॉप ऑफ द विंडो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस पेज अप, टू द एंड ऑफ द विंडो कंट्रोल अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस पेज डाउन। ठीक है, अप वन स्क्रोलिंग, अप वन स्क्रीन यानी कि स्क्रोलिंग, वो होता है पेज अप, और अप वन स्क्रीन डाउन वन स्क्रीन जिसको कि स्क्रोलिंग होता है वो होता है पेज डाउन।
ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन बनना ही बनना है एमएस वर्ड से। अगर आप ये वाला कवर कर लेते हैं, मूव वाला कीबोर्ड का सिस्टम, तो आपको एक नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि एमएस वर्ड से दो क्वेश्चन, एमएस एक्सेल से दो क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट से दो क्वेश्चन, एमएस एसएस से एक क्वेश्चन, दो दो तो चार, दो छः, सात क्वेश्चन आपके इससे आएंगे, इस पोर्शन से, केवल की से। ठीक है, आपको शॉर्टकट की या स्क्रॉलिंग विंडोज बिगनिंग डॉक्यूमेंट जाने के लिए ये सब बताना होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है आपके लिए। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे तो आपको आइडिया भी लग रहा होगा, यही सब क्वेश्चन 27 और 30 तारीख के एग्जाम में आए हैं। ये 27 और 30 तारीख के एग्जाम को देख के ही इस पीडीएफ को प्रिपेयर किया गया है। ठीक है, एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस एंड, बिगनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल प्लस होम, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले भी ये डिस्कस हुआ था। ठीक है, टू बिगनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस होम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, फाइंड रिप्लेस एंड गो टू द स्पेसिफिक टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। यदि ओपन द सर्च बॉक्स इन द नेविगेशन टास्क पेन, ओपन द सर्च बॉक्स इन द नेविगेशन टास्क पेन, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ, रिप्लेस टेस्क स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग स्पेसिफिक आइटम कंट्रोल प्लस एच, गो टू पेज बुकमार्क फुटनोट टेबल कमेंट्स ग्राफिक्स, इसके लिए कंट्रोल प्लस जी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, स्विच बिटवीन द लास्ट फोर प्लेस दैट यू हैव एडिटेड कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस जेड, edit and moves the text and graphics, turn extend mode on करने के लिए हमें दबाना पड़ता है F8, select the nearest character के लिए F8 and then press the left arrow or right arrow, यदि nearest character को select करना है तो F8 को दबा दीजिए आप और उसके साथ left arrow या फिर right arrow दबा दीजिए जिस साइड आपको जाना है। Increase the size of selection, यदि आपको size selection select करना है F8 दबाइए एंड प्रेस वन ऑफ द सेलेक्टेड वर्ड ट्वाइस टू सेलेक्ट द सेंटेंस एज सो ऑन, रिड्यूस द साइज ऑफ सेलेक्शन, यदि साइज सेलेक्शन को रिड्यूस करना है तो शिफ्ट के साथ F8 दबाइए तो साइज सेलेक्शन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यदि टर्न एक्सटेंड मोड को ऑफ करना है, टर्न एक्सटेंड मोड को ऑफ करना है यानी कि एक्सटेंड मोड को ऑफ करना है, टर्न ऑफ करना है, तो उसके लिए एस्केप की दबाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्सटेंड अ सेलेक्शन ऑफ वन कैरेक्टर टू द राइट, उसके लिए होता है शिफ्ट प्लस राइट एरो, वन कैरेक्टर लेफ्ट शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो, एंड एक्सटेंड द सेलेक्शन ऑफ द एंड वर्ड के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो, एंड बिगनिंग के लिए होता है लेफ्ट एरो। यानी कि राइट इज राइट डिनोट कहाँ करता है, एंड के लिए डिनोट करता है, लेफ्ट डिनोट करता है बिगनिंग के लिए डिनोट करता है। ठीक है, शिफ्ट प्लस एंड किस लिए होता है, एक्सटेंड और सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ द लाइन, एक्सटेंड सेलेक्टेड एट द एंड ऑफ द लाइन के लिए शिफ्ट प्लस एंड होता है और बिगनिंग के लिए शिफ्ट प्लस होम होता है। शिफ्ट प्लस डाउन एरो, शिफ्ट प्लस अप एरो, डाउन किस लिए होता है, एक्सटेंड सेलेक्टेड डाउन लाइन के लिए डाउन हो गया, और अप के लिए हो गया शिफ्ट के साथ अप करेंगे, एक्सटेंड और सेलेक्शन अप लाइन, अप वन लाइन अप करने के लिए, वन लाइन डाउन करने के लिए बात हो गई। ठीक है, इसी तरह पेज अप पेज डाउन भी है, शिफ्ट के साथ यूज किया जाता है। ठीक है, और यदि किसी सिलेक्शन को डॉक्यूमेंट को एंड करना है या डॉक्यूमेंट को बिगनिंग करना है, देखिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं बार बार, डॉक्यूमेंट को एंड करना है, डॉक्यूमेंट को बिगनिंग करना है, तो अगर बिगनिंग करना है तो एक्सटेंड के केस में, एक्सटेंड अ सिलेक्शन के केस में बिगनिंग करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, और अगर एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड। ठीक है, अगर पूरे डाटा को ही कॉपी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इस पेज का। तो स्टार्ट करते हैं, इंसर्ट और मार्क टेबल और कंटेंट फुटनोट एंड सिटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क टेबल कंटेंट एंट्री के लिए अगर एंट्री कराना है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ओ, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ओ, मार्क टेबल अथॉरिटरी एंट्री है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस आई, मार्क इंडेक्स एंट्री अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस अल्टर शिफ्ट एक्स। ठीक है, ये है, आप पढ़ लीजिएगा, और इसमें जो इम्पॉर्टेंट है फुट नोट्स में वो मैं बता देता हूँ, दो इम्पॉर्टेंट है बस, गो टू नेक्स्ट फुट नोट एंड गो टू प्रीवियस फुट नोट, एमएस वर्ड 2016 का है। अगर नेक्स्ट फुट नोट में जाना है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस दिस साइन, एंड प्रीवियस फुट नोट में जाना है अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस दिस साइन।
ठीक है, एंड गो टू टेल मी व्हाट यू वांट टू स्मार्ट लुकअप के लिए कंट्रोल अल्टर प्लस क्यू, गो टू के लिए अल्टर प्लस क्यू। ठीक है, यदि किसी टेक्स्ट या ग्राफिक्स को डिलीट करना है, यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, टेक्स्ट या ग्राफिक को डिलीट करना है तो यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिलीट टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो डिलीट वन कैरेक्टर लेफ्ट, एक कैरेक्टर लेफ्ट में डिलीट करने के लिए कौन सा बटन यूज होता है, बैक स्कैप। ये आपका 27/11/2019 के एग्जाम में पूछा गया था डाटा एंट्री ऑपरेटर बेल्ट्रॉन में। ठीक है, अगर एक कैरेक्टर लेफ्ट में डिलीट करना है तो उसके लिए हम बैक स्पेस यूज करते हैं। एक वर्ड डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस बैक स्केप। ठीक है, बैक स्पेस। वन करेक्टर राइट के लिए डिलीट बटन होती है, और वन वर्ड डिलीट करना है तो कंट्रोल के साथ डिलीट दबाया जाता है। कट सेलेक्टेड टेक्स्ट टू द ऑफिस क्लिपबोर्ड के लिए कंट्रोल प्लस एक्स होता है, और अंडू टू द लास्ट एक्शन कंट्रोल प्लस जेड। कट टू द स्पाइक के लिए कंट्रोल प्लस F3 का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपी मूव या फिर कॉपी एंड मूव टेक्स्ट मूव टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स के लिए नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कॉपी के लिए अगर बात करें, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी, किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स, और किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मूव या फिर ग्राफिक्स वन की बात करें तो उसमें F2 का इस्तेमाल होता है, यानी कि F2 एक फंक्शन की है। देन मूव द कर्सर एंड प्रेस एंटर। कॉपी टेक्स्ट एंड ग्राफिक वन शिफ्ट प्लस F2। ठीक है, एंड नेक्स्ट कट द स्पाइक। कट द स्पाइक के लिए कंट्रोल प्लस F3 एंड पेस्ट द स्पाइक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F3। ठीक है, वर्क विद डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट व्यू। वर्क विद डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट व्यू। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्विच टू रीड मोड व्यू। स्विच टू रीड मोड व्यू में अल्टर का यूज किया जाता है, अल्टर प्लस W। स्विच प्रिंट पे आउट के लिए अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस P। ठीक है, स्विच टू प्रिंट लेआउट अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस पी, और स्विच टू आउटलाइन व्यू अल्टर कंट्रोल ओ, स्विच टू ड्राफ्ट व्यू अल्टर कंट्रोल एन। ठीक है, तो अब आ जाते हैं उन कीज के ऊपर जिसमें यूज होता है कंट्रोल शिफ्ट और फंक्शन का। ठीक है, वो की जो कंट्रोल शिफ्ट और फंक्शन की को मिलाकर जो शॉर्टकट कीज बनती हैं उनको अब डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ। तो सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है इंसर्ट द कंटेंट टू द स्पाइक, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। नेक्स्ट है यदि बुक मार्क को एडिट करना हो तो उसके लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5। गो टू द प्रीवियस विंडो, यदि प्रीवियस विंडो में जाना हो हमें तो उसके लिए हम शॉर्टकट की का यूज कर लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6। अपडेट द लिंक्ड इंफॉर्मेशन इन द वर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट, उसके लिए यूज होगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F7। एक्सटेंट ऑफ सेलेक्शन और ब्लॉक, एक्सटेंट ऑफ सेलेक्शन और ब्लॉक, उसके लिए यूज होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8। यदि किसी फील्ड को अनलिंक करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F9। किसी भी फील्ड को अनलॉक करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11। और यदि किसी चूज द प्रिंट कमांड, किसी कमांड को प्रिंट करना है चूज द प्रिंट कमांड, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12। ठीक है, अल्टर और प्लस फंक्शन की मिलके क्या बनता है, अल्टर और फंक्शन की बात कर लेते हैं। गो टू द नेक्स्ट फील्ड, गो टू द नेक्स्ट फील्ड के लिए होता है अल्टर प्लस F1। क्रिएट अ न्यू बिल्डिंग ब्लॉक, क्रिएट अ न्यू बिल्डिंग ब्लॉक अल्टर प्लस F3। ठीक है, एग्जिट वर्ड के लिए अल्टर प्लस F4। रीस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज, रीस्टोर द प्रोग्राम विंडो साइज अल्टर प्लस F5। मूव फ्रॉम एन ओपन डायलॉग बॉक्स टू द डॉक्यूमेंट फॉर डायलॉग बॉक्स दैट सपोर्ट द बिहेवियर अल्टर प्लस F6। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट मिस स्पेलिंग एंड ज्योमेट्रिक एरर अल्टर प्लस F7। रन मैक्रो के लिए होता है अल्टर प्लस F8। ठीक है, स्विच बिटवीन ऑल फील्ड कोड्स एंड देयर रिजल्ट के लिए अल्टर प्लस F9। डिस्प्ले द सेलेक्शन टास्क पैन, डिस्प्ले द सेलेक्टेड टास्क पैन के लिए होता है अल्टर प्लस F10। डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कोड, डिस्प्ले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक कोड के लिए जो शॉर्टकट की होता है अल्टर प्लस F11 होता है। यदि अल्टर शिफ्ट और फंक्शन की का यूज किया जाए, देखिए ये काफ़ी हाई लेवल का PDF है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन जा ही नहीं सकता चाहे कितना भी हार्ड पेपर आ जाए। ठीक है, गो टू द प्रीवियस फील्ड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F1।
चूज द सेव कमांड अल्ट्रा प्लस शिफ्ट प्लस F2, ठीक है। कंट्रोल प्लस कंट्रोल अल्टर फंक्शन की में इंपॉर्टेंट क्या है, यदि अगर आपको चूज करना है ओपन कमांड के लिए तो कंट्रोल प्लस अल्टर प्लस F2 का यूज होगा, ठीक है। ये 12 फंक्शन की तो रट लो आप, एक नंबर बनेंगे आपके। और 27 तारीख के पेपर में फंक्शन की से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। 27 तारीख के पेपर में फंक्शन की से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, ठीक है। तो अब आ जाते हैं फंक्शन की के ऊपर। ये 12 के 12 फंक्शन की आपको आने चाहिए, एमएस वर्ड में क्या यूज़ होता है इसका। तो सबसे पहले आ जाते हैं हेल्प के लिए। F1 किसके लिए यूज होता है, जो फंक्शन की F1 है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको प्रिपरेशन करने में इजी हो जाएगा। जो फंक्शन की F1 होता है वो हेल्प के लिए होता है। F2 किस लिए होता है, यदि हमें टेक्स्ट और ग्राफिक्स को मूव कराना है तो उसके लिए F2 होता है। और F4 किस लिए होता है, रिपीट द लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए F4 होता है। चूज गो टू कमांड के लिए F5 होता है, गो टू द नेक्स्ट पेन और फ्रेम्स के लिए F6 होता है। चूज द स्पेलिंग कमांड या फिर रिव्यू टैब के लिए F7 होता है। सेलेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए F8 होता है। अपडेट द सेलेक्टेड फील्ड्स के लिए F9 होता है। एंड सो की टिप्स के लिए क्या होता है, F10 होता है, ठीक है। F11 का यूज किया जाता है गो टू द नेक्स्ट फील्ड, एंड F12 चूज द सेव एज कमांड, ठीक है, सेव एज कमांड। नेक्स्ट आ जाते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन की, उसके बाद है कंट्रोल प्लस फंक्शन की। बहुत ज्यादा टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए शिफ्ट प्लस फंक्शन की का और कंट्रोल की। जी, अब कंट्रोल की का भी ले लीजिए। देखिए, कंट्रोल के साथ 12 फंक्शन की, शिफ्ट के साथ 12 फंक्शन की, और उसके ऊपर है 12 के 12 फंक्शन की, ठीक है। तो आ जाते हैं शिफ्ट प्लस फंक्शन की। स्टार्ट कंटेंट सेंसिटिव हेल्प के लिए होता है शिफ्ट प्लस F1। टेक्स्ट को कॉपी मारने के लिए होता है शिफ्ट प्लस F2। चेंज द केस ऑफ लेटर के लिए जो शॉर्टकट की होता है प्रेस किया जाता है शिफ्ट प्लस F3। रिपीट और फाइंड और गो टू एक्शन के लिए जो शॉर्टकट की होता है वो होता है शिफ्ट प्लस F4। मूव द लास्ट चेंज के लिए क्या होता है, शिफ्ट प्लस F5। नेक्स्ट आता है गो टू द प्रीवियस पेन और फ्रेम, शिफ्ट प्लस F6, ठीक है। नेक्स्ट है चूज द थ्रेसर्स कमांड रिव्यू टैब प्रूफिंग, तो शिफ्ट प्लस F7। एंड रिड्यूस द साइज ऑफ सेलेक्शन शिफ्ट प्लस F8। स्विच बिटवीन द फील्ड कोड एंड इट्स रिजल्ट इज शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। डिस्प्ले अ शॉर्टकट मीनू शिफ्ट प्लस F10। गो टू द प्रीवियस फील्ड शिफ्ट प्लस F11 एंड चूज द सेव कमांड शिफ्ट प्लस F12। चूज अ सेव कमांड शिफ्ट प्लस F12, ठीक है। नेक्स्ट अब कंट्रोल और फंक्शन की बात कर लेते हैं। यदि हमारा 12 के 12 फंक्शन की कंट्रोल के साथ अगर मिलता है तो क्या बनता है, क्या क्या चीज़ ओपन होगा, शॉर्टकट कीज क्या बनेंगे। तो यदि एक्सपेंड करना है या कोलैप्स करना है रिवन को, एक्सपेंड एंड और कोलैप्स ऑफ रिवन, कंट्रोल प्लस F1। चूज द प्रिंट प्रीव्यू कमांड, कंट्रोल प्लस F2। कट द स्पाइक, कंट्रोल प्लस F3। क्लोज द विंडो को बंद करने के लिए कंट्रोल प्लस F4 दबाया जाता है। यदि आपको विंडो को बंद करना है तो क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस F4। नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस F6, ठीक है। और इंसर्ट द एम्प्टी फील्ड को एम्प्टी करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। एंड मैक्सिमाइज द डॉक्यूमेंट विंडो कंट्रोल प्लस F10। अगर एक फील्ड को लॉक करना है तो कंट्रोल प्लस F11। एंड चूज द ओपन कमांड इज स्टैंड कंट्रोल प्लस F12, ठीक है। तो फंक्शन की, स्विफ्ट प्लस फंक्शन की, कंट्रोल प्लस फंक्शन की कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं सेट लाइन स्पेसिंग से भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यदि सिंगल स्पेसिंग लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 1, सिंगल स्पेसिंग लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 1, डबल स्पेसिंग लाइन के लिए कंट्रोल प्लस 2, 1.5 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 5, एड और रिमूव 1 लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल प्लस 0,
ठीक है, परफॉर्म अ मेल मर्जर, इसमें क्या है, अगर किसी मेल मर्जर को प्रीव्यू, देखिए मेल मर्जर से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, मेल मर्जर भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मेल मर्जर एंड फील्ड के लिए यू मस्ट प्रेस, मेल मर्जर और फील्ड के लिए प्रेस करना पड़ता है अल्टर प्लस एम, ठीक है, मेल मर्जर के लिए क्या प्रेस करना पड़ता है, अल्टर प्लस एम, और उसके बाद प्रीव्यू मेल मर्ज के लिए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस के। अगर मेल मर्ज का डॉक्यूमेंट है, मर्ज और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन, डॉक्यूमेंट को मर्ज करने के लिए अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एन, एंड प्रिंट द मर्ज डॉक्यूमेंट अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एम, ठीक है, एंड अ मेल मर्ज डाटा डॉक्यूमेंट, एंड अ मेल मर्ज डाटा डॉक्यूमेंट अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस ई, इंसर्ट अ मर्ज फील्ड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इंसर्ट अ मर्ज फील्ड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस एफ, वर्क विथ फील्ड, फील्ड के साथ वर्क करने के लिए जो शॉर्टकट कीज होती हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा और या फिर रिवीजन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं, फील्ड के साथ जो इंपॉर्टेंट है वो इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले गो टू नेक्स्ट फील्ड F11, गो टू प्रीवियस फील्ड शिफ्ट प्लस F11, अनलॉक फील्ड कर लेंगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F11, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गो टू बॉक्स एंड माइक्रो बटन फ्रॉम द फील्ड ऑफ द डिस्प्ले फील्ड अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस F9, ठीक है। अगर डेट फील्ड को इंसर्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये जितने हैं ना ऊपर के 5-6 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगर डेट को इंसर्ट करना है, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर लिस्ट नूम को इंसर्ट करना है, इंसर्ट अ लिस्ट नूम, लिस्ट नम फील्ड को, तो अल्टर प्लस कंट्रोल प्लस अल्टर, कंट्रोल अल्टर और एल। पेज फील्ड को इंसर्ट करना है तो अल्टर शिफ्ट पी। टाइम को इंसर्ट करना है तो अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस टी, टाइम इंसर्ट करने के लिए अल्टर शिफ्ट टी। और अगर किसी एम्प्टी फील्ड को इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस F9, ओके। पैराग्राफ की बात कर लेते हैं, अप्लाई स्टाइल टू पैराग्राफ्स, ठीक है। ओपन अप्लाई स्टाइल टास्क पेन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, ओपन स्टाइल टास्क पेन कंट्रोल अल्टर शिफ्ट एस। अगर तीनों का ऐड हो जाए कंट्रोल अल्टर शिफ्ट और एस के साथ, तो जो ओपन स्टाइल टास्क पेन के लिए होता है ये शॉर्टकट की, ठीक है। ऑटो फॉर्मेट के लिए, यदि ऑटो फॉर्मेट मारना है तो अल्टर कंट्रोल और के, अल्टर कंट्रोल के ऑटो फॉर्मेट के लिए होता है। नॉर्मल स्टाइल के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन, फर्स्ट हेडिंग के लिए अल्टर कंट्रोल 1, सेकंड हेडिंग के लिए अल्टर कंट्रोल 2, थर्ड हेडिंग के लिए अल्टर कंट्रोल 3। ये भी इंपॉर्टेंट है, हेडिंग वाला, कैसे हेडिंग देते हैं पैराग्राफ में। इंसर्ट स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो स्पेशल कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, सबसे पहले फील्ड के लिए होता है कंट्रोल प्लस F9, लाइन ब्रेक के लिए लाइन ब्रेक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक, ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो लाइन ब्रेक के लिए होता है शिफ्ट प्लस एंटर, पेज ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस एंटर, और कॉलम ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर। ध्यान दीजिएगा, लाइन ब्रेक के लिए होता है शिफ्ट प्लस एंटर, पेज ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस एंटर, कॉलम ब्रेक के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बनता है कि कॉपीराइट सिंबल का शॉर्टकट की, तो अल्टर कंट्रोल सी मार दो आप, अल्टर कंट्रोल सी मार दो, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क सिंबल अगर देना है तो कंट्रोल अल्टर आर मार दो, ठीक है। केवल ट्रेडमार्क सिंबल देना है तो अल्टर कंट्रोल टी मारो आप, ठीक है। बाकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्प हो जाएगी। फॉर्मेट कैरेक्टर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट, ठीक है। कॉलम को कैसे रिमूव किया जाता है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। ऐसे कंप्लीट हो गया है इंपॉर्टेंट जो भी था। स्मार्ट ग्राफिक्स को ऐड करना, स्मार्ट ग्राफिक्स को रिमूव करना, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को, और स्मार्ट आर्ट ग्राफिक को मूव कराना, ठीक है। किसी भी रो और कॉलम को डिलीट करने का ये है, ठीक है। सेल को डिलीट करने का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है और फॉर्मेटिंग एंड कलरिंग ऑफ टेबल, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल, ये इसका फॉर्मेट है। टू फॉर्मेट एंड कलर अ टेबल यू मस्ट फर्स्ट सेलेक्ट अ टेबल, रो, कॉलम और सेल
दैट यू वॉन्ट टू मॉडिफाई टू सेलेक्ट ऑल अ पार्ट ऑफ टेबल फॉलोइंग दीज स्टेप। ये स्टेप से आप किसी भी पार्ट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग अ कलरिंग टेप, सेलेक्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है, क्रिएटिंग टेबल विद अ माउस। सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्लिक करेंगे टेबल आइकन के ऊपर, फिर वहाँ पे क्लिक करेंगे पुल डाउन द मेनू पेयर एंड क्लिक ड्रॉ टेबल, और उसके बाद जो माउस पॉइंटर होगा टर्न्स इनटू पेंसिल आइकन, माउस पॉइंटर क्या हो जाएगा, पेंसिल आइकन बन जाएगा, ठीक है। क्रिएटिंग द टेबल हाईलाइट्स ऑफ रो एंड कॉलम, तो यहाँ रो एंड कॉलम हाईलाइट्स हो रहा है डॉक्यूमेंट वन। डिलीट हेडर और फुटर, एक हेडर और फुटर को कैसे डिलीट किया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा, रिमूव हेडर रिमूव फुटर, ठीक है, रिमूव हेडर एंड रिमूव फुटर। तो अब इसका आपको दिखा देते हैं, सबसे पहले आपको जाना कहाँ है, इन केस यू हैव टू रीड ऑफ द हेडर और फुटर यू ऑलवेज डिलीट द फॉलोइंग स्टेप्स। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब को ओपन करना है, क्लिक करना है हेडर फुटर आइकन पे, हेडर फुटर ग्रुप, पुल डाउन द मेनू अपेयर एंड देन रिमूव हेडर रिमूव फुटर, ठीक है। देन यहाँ पे देखिए है ना, रिमूव हेडर रिमूव फुटर वर्ड रिमूव बाय हेडर और फुटर, डिलीट करने का पूरा प्रोसेस हो गया। इंसर्टिंग अ न्यू पेज, ठीक है, ब्लैंक पेज, इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट में आपको ऑप्शन आता है कवर पेज का, ब्लैंक पेज का, पेज ब्रेक का, टेबल का, पिक्चर का, ऑनलाइन पिक्चर का, वहाँ पे आप ऐड ब्लैंक पेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी लिखा है, सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है, मूव कर्सर करना है विद न्यू पेज, ब्लैंक पेज एंड पेज ग्रुप्स में, ठीक है। ये देखिए ये ब्लैंक पेज है, ब्लैंक पेज में खेलें ऐड ब्लैंक पेज, ठीक है। डिलीट ऐड या डिलीट करना है किसी कवर पेज को, तो उसके लिए ये पूरा आपका ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़रूर से, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जाम।